विकास में उनको और गति देने का काम हम लोग करेंगे। और जहां गढ़मुक्तेश्वर का सवाल है, बहुत सारे साथियों को याद होगा, सिंचाई विभाग ने जब समाजवादी सरकार थी एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान यहाँ तैयार किया था, उस मास्टर प्लान पे काम नहीं हो पाया है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा जो चलते थे वो रास्ता बनाया था इस इलाके को भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थान दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, अगर इस इलाके का और आसपास का इलाके को कोई तीर्थ स्थान मिल सकता है तो हमारा ये गढ़मुक्तेश्वर है, जिसके आसपास हम लोग सरकार बनने पर ऐतिहासिक विकास कराने का काम करेंगे। मैं इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं देवेंद्र जाखड़ जी, गौरव चौधरी जी राष्ट्रीय दो लोकदल के अध्यक्ष हैं, असलम चौधरी जो धोलाना के हमारे प्रत्याशी हैं, गजराज सिंह सुरक्षित हापुड़ के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, रविंद्र चौधरी जो गढ़ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करता हूं इस गठबंधन के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत दिलाए। जहां तक हमारा साथी ये सवाल पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास में तो आपने धोखा ही धोखा देखा है, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी और आरएलडी के साथ जो सरकार बनेगी किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा। और कई मायनों में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत पिछड़े हैं, बहुत पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, उनके बीच में अभी भी खुशहाली अभी भी तरक्की नहीं आई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी और हमारे गठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के वो पहलवान हैं जो हार गए हैं। जब पहलवान हारने लगता है तो आप पता करना, पहलवान नोचता है, काटता है, छटपटाता है, तो जनता ने फैसला ले लिया है कि इनका सफाया होगा। अब यहां कोई सरप्राइज नहीं आने वाला, जनता ने मन बनाया है कि ऐतिहासिक जीत मिलेगी। ये गठबंधन भाईचारे का गठबंधन है, ये गठबंधन हमारे गंगा जमुनी तहजीब को लाने वाला और पुनः उसको आगे बढ़ाने वाला गठबंधन है। हम लोग पीछे मुड़ के नहीं आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें कम से कम याद रखना चाहिए, कहीं भी दुनिया में किसानों को जीत से नहीं कुचला गया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास हाथरस जैसी घटना का कोई जवाब है? एक व्यापारी जब आता है अपने कारोबार के लिए गोरखपुर में, पुलिस उसके कमरे में घुसती है, पीट पीट करके उसकी जान ले लेती है, वो सस्पेंड है, वो पुलिस के लोग जेल में है। अभी तक एक आईपीएस जो फरार है वो नहीं पकड़ा गया। पूरे देश में कहीं नहीं आपने देखा होगा कि आईपीएस फरार हो, आईपीएस फरार है। किसकी? देखिए बड़े आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुए, लोग आवाज उठाने आए, छात्र नौजवान अगर आवाज उठाने आए उन पर सब पे मुकदमे लगे हैं, बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, इसलिए झूठे मुकदमे तो वापस होने ही चाहिए। इन महिला को सुन लो, आवाज कम है उनकी। अरे सुनिए भाई साहब, उनकी आवाज सुन लेने दो, फिर वो नहीं पूछेंगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी उनको टिकट दे रही है जो जीतने वाली महिलाएं हैं, लेकिन और दल सब हारने वालों को टिकट दे रही हैं। क्या हम हराना चाहेंगे अपनी बहनों को? हम हराने के लिए टिकट नहीं देंगे किसी को। कहां पर? नहीं देखिए,
उसमें कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए अच्छा लगना चाहिए। अगर और अच्छा प्रत्याशी आ जाए, अगर और अच्छा मिल जाए तो और अच्छा ले आते, लेकिन अभी तो हमारे रविंद्र ही है। भारतीय जनता पार्टी आपके हमारे फोन सुनने के लिए, आपके हमारे हम और आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या अपनी चर्चा करते हैं छुप करके सुनने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैं पत्रकार समझदार साथी हमारे जो सुझाव दे दोगे, पत्रकार यूनियन जिंदाबाद। नहीं नहीं, मैं अपने पत्रकार साथी को भरोसा दिलाता हूं कि कोई सुझाव ऐसा हो जो हम कर सके। नहीं ठीक है, अच्छा जो सुझाव आप दे रहे हो अगर सुझाव ऐसा है जो किया जा सकता है तो जरूर करेंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल किया जाएगा। क्या हमारा तो हर घर तक जा रही है आवाज, और जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, हमारे कैडर ने किया है, लाठियां खाई है, सड़क पे रहे हैं पांचों साल, जाएंगे करण। हमने शुरुआत मुजफ्फरनगर से की है, जाएंगे करण। ये पत्रकारों की सुरक्षा के लेकर के जिस तरीके से फोन करने पर डायल हैंडेड वाली गाड़ी तुरंत पहुंच जाती थी, उसी तरीके से विशेष सुरक्षा के लिए अगर अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, डायल हैंडेड की नहीं, अब जो डायल 112 उसकी गाड़ी बढ़ा करके कुछ पत्रकार साथियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी तो की जाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। 2 अप्रैल के मुकदमे वापस। कोई बात नहीं, तुम पहले नहीं मिले ना हमें। किसका? अच्छा उनका, अच्छा उनका भी ले लेना। जो पीएसपी है, प्रगतिशील पार्टी, नहीं नहीं बिले नहीं है, जितने भी दल हमारे साथ आए हैं हम लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि कोई विलय नहीं करेंगे, क्योंकि हर दल के पास संगठन है और संगठन के साथ साथ उनके पास बड़ी संख्या में लोग भी हैं, तो इसलिए उनको साथ लिया है। क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह आखिरी वक्त बदल गया, पहले चाबी था फिर स्टूल मिल गया, तो अब कैसे पहचानते हो, कैसे बताते लोगों को, इसलिए उन्हें साइकिल के चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ाया जा रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल इस तरह का मॉब लिंचिंग या इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कानून के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, भाजपा कोई मेरे रिश्तेदार है, उनकी बात सुनो। मैंने बड़ा विवेकपूर्ण एक फैसला लिया है कि मेरे लोगों का हित कहां सुरक्षित है, मेरे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, और भविष्य की राजनीति, सकारात्मक राजनीति को देखते हुए फैसला। छात्रों और पत्रकारों का होना चाहिए। देखिए ये जो टोल को लेकर के है, मुझे उम्मीद है हमारा पत्रकार साथी कभी दिल्ली की भी सरकार हमारी बनवा देगा। जब दिल्ली की सरकार बनवा देगा तो जो आपकी मांग है वो पूरी हो जाएगी। नहीं, जनपद हापुड़ से लगाव नहीं है,
जनपद हापुड़ में शून्य होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर उनके मुख्यमंत्री 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी बार बिजली का कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने, और जब से हम लोगों ने कहा कि बिजली के कारखाने का नाम बताओ तो पिछले कई महीनों से वो रट रहे हैं नाम, लेकिन अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी सुनाओ उनके मुंह से, और अभी तक एक बिजली का कारखाना बीजेपी ने नहीं लगाया। जो आज बिजली मिल भी रही है वो सभी के सभी बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में ज्यादातर लगे हैं, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को 24 घंटे 18। आज प्रयास बिजली है, जो बिजली के कारखाने लग जाएंगे पूरे हो जाएंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री होगी और किसानों को सिंचाई मिलेगी, वो हम लोग तय कर लेंगे। नहीं, ये अगर हम सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और अगर कोई बात समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा कि घोषणा पत्र में ये क्यों शामिल किया जा रहा है, मैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। जिस समय देश में पीपीपी पे सड़कें बन रही थी नहीं बन पाई, एनयूटी मॉडल लाए नई सड़क बन पाई, उस समय समाजवादी सरकार आगरा लखनऊ बनाए, आगे का एक्सप्रेस वे बना। आज ये दावा करती है उत्तर प्रदेश सरकार की 6 लाख करोड़ का बजट है, अगर 6 लाख करोड़ के बजट में से हमें पैसा निकालना पड़ेगा घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट के लिए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और जो बिजली है उत्तर प्रदेश को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहिए कि तुम्हारी सरकार 2 बार बनवाई है जनता ने, आपने उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया? अगर कोटा बढ़ जाए, जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम भी बिल आधा कर देंगे, तो अगर आधा बिल कर सकते थे, अगर आधा बिल आज कर रहे चुनाव के समय पे, तो 4.5 साल तक बिल क्यों लिया? क्या सबका बिल वापस करेंगे? हमारा स्टैंड वही है कि घोषणा पत्र में शामिल किया 300 यूनिट फ्री दी जाएगी घरेलू बिजली और किसानों के लिए सिंचाई मुक्त होगी। जब भारत सरकार, आप एक क्वार्टर का पता कर लीजिए, डीजल पेट्रोल से बताओ कितना मुनाफा कमाया होगा, अगर हम 2014 से लेकर के हिसाब किताब लगा लें आज जब हम बैठे हैं, तो दिल्ली की सरकार ने डीजल पेट्रोल से बताओ कितना मुनाफा कमाया होगा। कोविड में हमारे आपके सेविंग के अकाउंट के पैसे निकल गए और कुछ उद्योगपति दुनिया की सूची में आ गए, तो ये सोचना चाहिए। ये केवल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और जैसे समाजवादियों ने कहा कि ओल्ड पेंशन बहाल होगी, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कैसे कह सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं नोटिस देना चाहिए इनको? ये कौन है पॉलिटिकल पार्टी जो कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी पेंशन अच्छी है? ये चुनाव के बाद अगर तय करते तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए नहीं नहीं जवाब क्या है, मैं जानता हूं, मैं मुद्दा जानता हूं क्या है। नहीं नहीं मैं जानता हूं मुद्दा क्या, मैं जानता हूं मुद्दा क्या है। सरकार, किसान और जिसको जमीन दी गई थी, इन तीन के बीच का मामला है, सुलझाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और आज भी किसान विकास के लिए जमीन नहीं रोकता, जब आपको उसको मुआवजा नहीं ठीक देते मार्केट वैल्यू का तब वो नाराज होता है। जिस समय देश में लैंड एक्विजिशन का एक्ट बन रहा था उस समय समाजवादी सरकार में 323 किलोमीटर में जमीन ली थी और एक भी आंदोलन नहीं हुआ, आप पता कर लीजिए। और जब आंदोलन करने वाले तेवतिया जी थे जो किसान आंदोलन करते थे, जेल में थे वो 1.5 साल से, उन्हें भी मुकदमे वापस लिए, जेल से बाहर किया और एक भी आंदोलन नहीं हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी
किसानों से किसी विकास कार्य के लिए अगर जमीन लेगी तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा उनको कीमत दी जाएगी। सर्किल रेट बढ़ा करके चार गुना तो दिया ही दिया जाएगा, लेकिन सर्किल रेट इतना बढ़ा करके देंगे जिससे हमारा किसान संतुष्ट हो। क्या चीज? अरे उन्हें झूठा फंसा दिया। नहीं, बैनर में आता है फोटो, ऐसा क्यों? आज नहीं आया होगा, तुम हमारे बीच में देखो हर जगह। अरे हमारे मोबाइल में देख लेना हमारे। क्या बात करते हो, तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम अच्छी चीज कभी देखना नहीं चाहते। अरे चाचा अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी फोटो कैसे हो जाएगी? उनके हिसाब किताब में पैसा लग जाएगा, तुम्हें इतना नहीं पता। अरे चलिए हमें जाने दीजिए, और सभा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें धन्यवाद देने चाहिए। मैं सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।